सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी रिजर्वेशन पर फैसला दिया और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी चाय पीने पहुंच जा रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यहाँ। उस फैसले पर प्रधानमंत्री मोदी की स्वीकृति और सहमति नहीं रह गई होगी। ईडी सीबीआई और तमाम संगठनों का आपने इस्तेमाल विरोधियों को पस्त करने के लिए किया, अब आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर पहुंच के क्या दिखलाना चाहते हैं? हो सकता है डीवाई चंद्रचूड़ किसी राज्य के राज्यपाल बन जाने वाले समय में डीवाई चंद्रचूड़ जो है राज्यसभा चले जाएं, तमाम सरकारी संगठन बेच दिए, कांग्रेस ने बनाया, दलितों को सरकारी नौकरी मिली और बीजेपी ने बेच दिया, अब खोजिए नौकरी। हाँ, भागीदारी के सवाल पर आप रख सकते हैं, बिल्कुल है, कांग्रेस का स्ट्रक्चर ब्राह्मणिकल है, ब्राह्मणों का राज चलता है, कोई शक नहीं। सर, आप लालू जी ने जैसे कहा कि कान अमेट के जाति जनगणना करवाएंगे, वैसे हम लर भीर के और मनुवादियों के सीने पे बैठ के इस देश से जातिवाद खत्म करेंगे। सर, बीते दिन जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी सीजीआई के आवास पर पहुंचे, गणेश चतुर्थी की पूजा वहां पर की गई, वो वीडियो फोटोज जो है काफ़ी वायरल हो रहे हैं और तमाम सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ही जो है इसकी आलोचना कर रहे हैं, न्याय व्यवस्था पर जो है वो एक प्रश्न चिन्ह जो है निष्पक्षता और न्यायिक व्यवस्था पर जो है खतरा सा महसूस कर रहे हैं, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? पहले तो मेरा यह मानना है इस पूरे मुद्दे पर जो सीजीआई के यहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री पहुँचे हैं कि जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक रेस्पेक्टेड डिस्टेंस होना चाहिए। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस देश में भारत सरकार के खिलाफ भी कई मामले चलते हैं, भारत सरकार के खिलाफ भी कई मामले चलते हैं, सैकड़ों हजारों लाखों मामले चल रहे हैं, चलते रहे, और नरेंद्र मोदी जी केवल वो भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं हैं बल्कि भारत सरकार के वो प्रधानमंत्री हैं और भारत सरकार के खिलाफ भी मामले जो है सुप्रीम कोर्ट में है और वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यहाँ पहुँच रहे हैं। इसका मतलब है कि जो है ये ठीक नहीं है, जो कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो दूरी होनी चाहिए वो रिस्पेक्टेड दूरी मेंटेन नहीं की जा रही है। दूसरी बात, मेरा यह मानना है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी इस मामले में सावधानी बरतनी चाहिए थी, उनकी क्रेडिबिलिटी भी खतरे में आ गई है। उन्होंने आज तक जितना कमाया है मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री उनके घर आ गए तो जो है गंवा दिया। अब ऐसा भी नहीं है कि बिना निर्धारण के होगा कि मोदी जी का मूड बन गया कि चलें आज लस्सी पीना है, चले गए जाके दरवाज़ा नॉक कर दिए घुस गए, ऐसा नहीं हुआ होगा। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है तो जाहिर सी बात है कि पूरी योजना बनी होगी, पूरी प्लानिंग हुई होगी, तब गए होंगे। तो न्यायपालिका पर भारतीय समाज आँख मूंद कर विश्वास करता रहा है, न्यायपालिका की अगर इस तरह भूमिका होगी तो न्यायपालिका जो पहले से न्यायपालिका संदिग्ध है, खास तौर पे जब आया था मामला जो एक राज्यसभा गए हैं इनके नॉर्थ ईस्ट के जो एक गोगोई जब से राज्यसभा गए हैं उसके बाद जब भी कार्यपालिका से जुड़े किसी व्यक्ति और न्यायपालिका से जुड़े किसी व्यक्ति की गलबहियाँ देखने को मिलती है तो देश का नागरिक जो है थोड़ा डर जाता है, थोड़ा भयभीत हो जाता है, थोड़ा सिहर जाता है। लेकिन मैं इस सारे मामले को बिल्कुल अलग एंगल से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। एंगल हमारा ये है, अभी पिछले दिनों जो है सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी रिजर्वेशन पर फैसला दिया और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी चाय पीने पहुँच जा रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यहाँ। तो मैं उस फैसले से जोड़ कर देख रहा हूँ कि क्या जिस तरह का संबंध वो दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ, तो क्या उस फैसले पर एससी एसटी रिजर्वेशन पर जो फैसला आया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, उस फैसले पर प्रधानमंत्री मोदी की स्वीकृति और सहमति नहीं रह गई होगी? अगर ऐसा होता तो अगर यह ऐसा नहीं है कि कोई एलियन तो है नहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो भी इसी समाज के हिस्सा हैं, लेकिन लोग आना जाना करते हैं। लेकिन जिस तरह से तस्वीरों को वायरल किया गया, खुद प्रधानमंत्री जी ने 19 सेकंड का वह वीडियो उनके नरेंद्र मोदी .in पर उन्होंने डाला है, ट्वीट तो मैंने नहीं देखा, एक्स पर डाला 19 सेकंड का वीडियो, इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ कहना चाहते हैं।
अब क्या कहना चाहते हैं इस देश के नागरिक को अंदाज़ा लगाने के लिए बहुत कुछ है। कहना हो सकता है ये भी चाहते हो कि हो सकता है कि चंद्रचूड़ जी जो है, नहीं दो तीन संकेत अच्छा, हैं कि न्यायपाल, मैं दो तीन पॉइंट बोल देता हूँ कि दो तीन मुद्दे हो सकते हैं कि संदेश देना चाहते हो मोदी। हो सकता है डीवाई चंद्रचूड़ किसी राज्य के राज्यपाल बन जाने वाले समय में, संवैधानिक है, या हो सकता है डीवाई चंद्रचूड़ जो है राज्यसभा चले जाएं, तो ये एक संकेत है। तीसरा एक संकेत धीरे से ये भी है कि जो है आज केजरीवाल जी की बेल पर जो है डिसीजन होना था, तो एक संकेत ये भी है। चौथा संकेत है कि आप इशारों से समझिए कि ये भी मुठ्ठी में, जैसे ईडी सीबीआई जैसे संगठन है मुट्ठी में, तो हो सकता है कि मोदी जी यह संकेत भी देना चाहते हो, क्योंकि अपनी सर्वशक्तिमान वाली छवि को तो वो हर दिन बड़ा करते ही है मोदी जी। लेकिन अच्छा, साल 2009 का एक मामला है, आयोजन जो है इफ्तार पार्टी का है, जिसमें पीएम आवास है, मनमोहन सिंह सीजीआई मुलाकात, उस समय आप लोगों के पेट में दर्द नहीं हुआ, उस समय आप लोगों ने कुछ नहीं कहा, अभी आप लोगों को जो है बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। प्रधानमंत्री कोई कार्यक्रम आयोजित करते हैं और अलग अलग, उसमें सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके घर चाय पीने नहीं पहुंच गए थे मनमोहन जी के यहाँ। आप मैं वही कह रहा हूँ, दोनों कार्यक्रम का जो बेसिक अंतर मुझे दिखता है कि जो इफ्तार पार्टी थी केवल एक व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए नहीं थी, लेकिन कल जो है, या ऐसा नहीं कि उसमें सिर्फ जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहुंचे थे, लेकिन कल का जो गणेश चतुर्थी वाली जो घटना हुई है उसमें अकेले मोदी जी पहुंचे। तो दोनों घटनाओं को हम मिलाकर नहीं देख सकते, दोनों घटनाओं में ऐसे एक नहीं होता। अभी सुनिए जवाब, मैं तथ्य से जवाब दे रहा हूँ, एक मौका नहीं होता है जहाँ सिर्फ प्रधानमंत्री मिलते हैं, प्रधानमंत्री ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऐसे सैकड़ों मौके आते हैं। आपकी कई तस्वीरें आपको अभी मोदी जी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहले की भी मिलेंगी, अलग अलग सार्वजनिक कार्यक्रमों, सार्वजनिक वो इफ्तार पार्टी दिया है, सार्वजनिक कार्यक्रम है वो, मैं सरकारी कार्यक्रम नहीं कर रहा, मैं सार्वजनिक कार्यक्रम कर रहा हूँ। सार्वजनिक कार्यक्रम और व्यक्तिगत किसी के घर में जाने में अंतर होता है मेरे भाई, इस अंतर को समझना। गणेश पूजा से क्यों दिक्कत रहेगी भैया? मुझे दिक्कत यह है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो एक रिस्पेक्टेड डिस्टेंस होना चाहिए, जो जुडिशियरी का जो आइसोलेशन होना चाहिए, वो आइसोलेशन जो है वो डिस्टेंस खत्म हुआ है, आइसोलेशन लेयर टूटा है। सर, डीवाई चंद्रचूड़ जब सीजीआई बने तब ये कहा गया कि बहुत लिबरल हैं, अंबेडकरवादी हैं और जो है दलित पिछड़ों की पीड़ा को समझते हैं, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो है भाजपा अपनी तरफ को जो है वो हाईजैक कर? आप नहीं, आपने दो तीन बातें कही, आपने दो तीन बातें कही कि जैसे वो अंबेडकरवादी हैं, भैया अंबेडकर की तस्वीर को जो है माला पहनाने और अंबेडकर की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ने, इसको अंबेडकराइट हो जाता है क्या? नहीं सर, दलित पिछड़ों आप दलित सर, बड़ों की तो बात माननी पड़ेगी ना, जज हैं तो ऐसी बात नहीं माननी पड़ेगी। आपने वो भी बात मानी थी, महेश शर्मा जी कहते हैं जो जज थे, अगर मोरनी आंखों में आंसू ले ले तो बच्चे पैदा हो जाते हैं। जज कोई भगवान थोड़े होता है। मैं तो ये भी कहता हूँ कि जो है ब्राह्मण जो है मुंह से पैदा हुआ है उनका सम्मान करना चाहिए, तो आप लोग कहाँ मान रहे हैं? अच्छा, ओम सुधा जी, क्या लगता है कार्यपालिका और न्यायपालिका में घालमेल होता जा रहा है, जिस प्रकार से पिछले कुछ समय में जो रिटायर्ड जज हैं वो अलग अलग बोर्ड के चेयरमैन कर रहे हैं, भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, तो उस पर क्या कहना? नहीं, सिर्फ भाजपा ज्वाइन नहीं कर रहे, मैं वही बात आपकी पूरी कर दे रहा हूँ, न केवल भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं बल्कि जिन्होंने भाजपा सरकार के पक्ष में खास तौर पे जिन जजों ने फैसला दिया है वो जज अलग अलग बोर्ड के चेयरमैन हो रहे हैं, वो कई बने, कई बोर्ड के चेयरमैन, बड़े बड़े बोर्ड के चेयरमैन बने, यही तो खतरनाक है ना, यही तो खतरनाक है। वही मैं कह रहा हूँ कि कार्यपालिका और जुडिशियरी में एक रिस्पेक्टेड जो है डिस्टेंस होना चाहिए, जुडिशियरी को एक रिस्पेक्टेड आइसोलेशन में रहना चाहिए, वो टूट रहा है, वो ठीक नहीं। अब तक आप ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करते आए हैं, जो छवि है ईडी सीबीआई और तमाम संगठनों का आपने इस्तेमाल विरोधियों को पस्त करने के लिए किया, अब आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर पहुंच के क्या दिखलाना चाहते हैं? संविधान की आधारभूत संरचना में धार्मिक जो है निष्पक्षता की बात की गई है, लेकिन जब पीएम जो है जाते हैं
गणेश पूजा में, उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या मेरा तो यह कहना है जो सरकारी पदों पर बैठे हुए लोग हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, उनको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि हमने आपको प्रधानमंत्री चुना है, पुजारी थोड़े ही चुना है। संविधान तो अधिकार देता है सबको। मैं अधिकार से हम कहाँ उनके हाथ से किसी के हाथ से अगरबत्ती छीनने जा रहे हैं, लेकिन देश ने जो है, देश के नागरिकों ने जो है प्रधानमंत्री चुना है ना, कोई पुजारी थोड़े ही हम लोगों ने चुना है। सर, आरक्षण को लेकर के देश में डिबेट हो रही है, अब राहुल गांधी जी ने जो है विदेश में बोल दिया है कि आरक्षण के बारे में जो है जब जो है एक अच्छी स्थिति हो जाएगी तब जो है खत्म कर। तो जो राहुल गांधी कह रहे हैं वही तो हम भी कह रहे हैं, जब तक इस देश में जाति है तब तक आरक्षण रहना चाहिए, जाति चली जाएगी, स्थिति सामान्य हो जाएगी। हमको जो आज भी जो है मूछ रखने, घोड़ी चढ़ने की लड़ाई न वाइस चांसलर बनने देते हैं, न जज बनने देते हैं, न कहीं सामने आने देते हैं, जिस दिन ऐसा हो गया, स्थिति सामान्य हो गई, ले जाओ अपना आरक्षण। उनके बयान को जो है ये माना जा रहा है कि आरएसएस की कांग्रेस जो है आरक्षण विरोधी है। और अब देखिए क्या है कि अब देखिए लोगों का कहना होता है कि आरक्षण खत्म कर दो तो जाति खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं, ये तो गलत है। जब तक जाति रहेगी तो आरक्षण रहेगा। आरक्षण खत्म करना है तो पहले जाति खत्म करो, क्योंकि पहले जाति आई, आरक्षण तो बाद में आया, तो जाति पहले आई है तो जाना भी पहले जाति को पड़ेगा। खत्म ये मनुवादी व्यवस्था वाले लोग, और हम लड़ भीड़ के खत्म कराएंगे। लालू जी ने जैसे कहा कि कान अमेट के जाति जनगणना करवाएंगे, वैसे हम लड़ भीड़ के और मनुवादियों के सीने पे बैठ के इस देश से जातिवाद खत्म करेंगे। सर, मोहन भागवत जी भी कह रहे हैं तो ये जो जातियां हैं तो आडंबर है। मोहन भागवत तो कहेंगे ही, अयोध्या में चुनाव हार गए तो अब तो मोहन भागवत को कहना पड़ेगा, तो वोट खिसक रहा है ना, इनके लिए वोट ही सब कुछ है। सर, आपने कहा कि राहुल गांधी जी के बयान के समर्थन में है, लेकिन बहन जी और कई लोग जो है इसको आरक्षण विरोधी बयान बताते। सब लोगों का अपना अपना नजरिया है, मेरा भी अपना यही नजरिया है, इस देश में जब तक जाति है तब तक आरक्षण रहनी चाहिए, जाति खत्म हो जाए तो ले जाओ अपना आरक्षण, हमारे में गुर्दा है। राहुल गांधी के समर्थन में? बिल्कुल, मैं इस बात के समर्थन में हूँ कि जब तक जाति रहेगी तब तक आरक्षण रहेगा, जाति खत्म हो तो आरक्षण खत्म हो। राहुल गांधी आदर्श स्थिति की बात कर रहे हैं। मैं आदर्श स्थिति क्या है? आदर्श स्थिति है कि जाति खत्म हो जाए, जातिवाद खत्म हो जाए, भेदभाव खत्म हो जाए, यही तो आदर्श स्थिति, यही बात राहुल गांधी कह रहे हैं। तो आदर्श स्थिति आ जाए मतलब जाति खत्म हो जाए तो आरक्षण खत्म हो जाए। राहुल गांधी के नाम आते ही आप डिफेंडिंग हो जाते हैं उनको। बिल्कुल, क्योंकि आज की तारीख में राहुल गांधी बहुजनों की आवाज उठा रहे हैं, इसलिए कुछ नहीं आया था। हम उनके ट्वीट का इंतजार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम अब सुनिए, हम उनसे उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सवाल, जिन सवालों पर हम लोग लगातार एक डेढ़ दशक से एक अगस्त को जो फैसला आया, आरजेडी, बहन मायावती, रामविलास पासवान की जो पार्टी है लोजपा, सभी ने इस पे जो है अपना स्टैंड लिया, लेकिन राहुल गांधी ने स्टैंड नहीं लिया। अब मैं आपको जवाब उसी का दे रहा हूँ कि राहुल गांधी ने स्टैंड नहीं लिया, आप समझ गए। आप राहुल गांधी की तुलना मायावती से कर देंगे? नहीं ना। दोनों का सोशल स्टेटस देखिए, राहुल गांधी क्या है, पैदाइशी ब्राह्मण। आप उनसे उम्मीद करेंगे कि मायावती जाके पौ न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई, जो मायावती दलितों का दर्द समझेंगी, जो हम समझेंगे, राहुल गांधी थोड़े समझते। लेकिन नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, लेकिन वो हमारे मुद्दे नहीं उठा रहे ना आरएसएस के लोग। राहुल गांधी की तुलना आप आरएसएस से नहीं कर सकते। हम कोई कांग्रेस पार्टी का मेंबर नहीं है, ना कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है, लेकिन राहुल गांधी लगातार हमारे सवाल को उठा रहे हैं, जाति जनगणना पर अड़े हुए हैं, और उन्होंने जाति जनगणना जो आज तक सामाजिक सवाल था उसको राहुल गांधी जी ने राजनीतिक सवाल बना दिया। आप समझिए चीजों को। सर, आप कह रहे हैं बहुजनों की आवाज है राहुल गांधी, तो जो आरक्षण, नहीं, मैं बहुजनों की इसके सवाल उठा रहे, मैंने ये कहा है, आप वीडियो देख लीजिए, बहुजनों का सवाल उठा रहे। आरक्षण में वर्गीकरण का जो फैसला, इस पर जो है क्यों नहीं बोल, ये आरक्षण के वर्गीकरण के फैसला पर आप राहुल गांधी को छोड़िए, बहुजन समाज के बहुत लोग चुप हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? इस फैसले के अंदर कंट्राडिक्शन है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और इस कंट्राडिक्शन पे हम लोग भी एक लिमिटेड ही बोल पा रहे हैं।
और इस कंट्राडिक्शन में किसी को नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि आरएसएस की पूरी साजिश यही है कि इस कंट्राडिक्शन में जो है बहुजनों के बीच, दलितों के बीच तोड़फोड़ मचाई जाए, और हम आरएसएस की साजिश को नाकाम कर रहे हैं। भाजपा कह रही है कांग्रेस की शुरुआत से आरक्षण विरोधी नीति रही और उसी का ये नतीजा है कि अब राहुल गांधी जी बोल रहे हैं। भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगा देते। आप ये बताइए, हमारे समाज के लोगों को सरकारी नौकरी आरएसएस ने दी? आरएसएस ने जो है भेल, गेल, सेल, एम्स, रेलवे बनाए, वहाँ सरकारी नौकरी दी, राशन की राशन में आरक्षण दिया, तमाम सरकारी संस्थान भारत में कांग्रेस ने बनाए और वहाँ हमें सरकारी नौकरी मिली। जहाँ जातिवादी कांग्रेस कहाँ है वहाँ पकड़िए। कांग्रेस का जो संगठन, कांग्रेस का जो संगठन का ढांचा है वो ब्राह्मणिकल है, वहाँ सवर्णों का साम्राज्य है, उस पर बात करिए वो सच्चाई है। लेकिन इस देश में दलितों पिछड़ों को आरक्षण कांग्रेस के वजह से मिला, और बीजेपी का जब जब शासन आता है हमारा आरक्षण खा गया। आप बताइए ना, बेच दिया ना बीजेपी ने सब, तमाम सरकारी संगठन बेच दिए। खोजिए नौकरी, कांग्रेस ने बनाया, दलितों को सरकारी नौकरी मिली और बीजेपी ने बेच दिया, अब खोजिए नौकरी। इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा, कम से कम आरक्षण के सवाल पर कांग्रेस और भाजपा को एक जगह आप नहीं रख सकते। हाँ, भागीदारी के सवाल पर आप रख सकते हैं, बिल्कुल है। कांग्रेस का स्ट्रक्चर ब्राह्मणिकल है, ब्राह्मणों का राज चलता है, कोई शक नहीं। सर, आप कह रहे हैं कांग्रेस ने आरक्षण दिया, कांग्रेस की वजह से आरक्षण आया, लेकिन आरक्षण तो पूना पैक्ट जो है वो समझौता था। वो आप बताइए, अगर सरकारी संस्थान न बनते कहाँ सा आरक्षण? किसने बनाया सरकारी संगठन? मोहन भागवत बनाया, गोलवलकर बनाया, किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया ना। इसलिए कांग्रेस भाजपा का एक जगह पे आरक्षण के मामले पर तोलना मैं सही नहीं मानता। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।